तो गाइस अब हम आपको लेकर चलते हैं और भी आगे और दिखाते हैं कि अब हम कहाँ पहुँचे। वैसे खूबसूरत वादियों का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देखिए अब हम पहुँचते हैं एक रास्ते पर, यहाँ मंदिर पड़ा है और वहाँ हमने नमस्कार किया है भगवान जी को और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ दिए हैं। सबसे पहले मामा जी जा रहे हैं, मम्मी जी हैं, मैं हूँ और साथ में नानी जी हैं। और ये इस दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हो रही है, दिन में बहुत अच्छी लगेगी। ये है एंट्रेंस गेट। तो अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश का बहुत बड़ा घाट है, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग एंटर कर दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सामान भी मिल रहा है, जैसे गंगा जल लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, और फ्लावर्स वगैरह पूजा करने का सारा सामान यहाँ अवेलेबल है। और जब हम त्रिवेणी घाट पहुँचे तो वहाँ शाम की गंगा जी की आरती हो रही थी और हम उस आरती में शामिल हुए और आशीर्वाद लिया देवी जी का। और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ भाड़ है, इन श्राद्धों के समय में भी बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे और कुछ लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं और गंगा जी को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगा के काफ़ी सावधानी रखी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो भीड़ भाड़ में। और गंगा जी की आरती अंदर की तरफ हो रही है जहाँ वो जगह बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, हमें यहाँ से देखो गंगा जी की आरती हो रही है, कितना खूबसूरत है गंगा जी का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप गंगा जी की आरती संपन्न हो चुकी है और हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, फ्लावर्स ले लिए हैं, दीपक भी लिया है, धूप भी लिए। तो अब मम्मी जी यहाँ पर धूप जला रही हैं और दीपक जला रही हैं जो गंगा मैया जी को अर्पण करना है। और ये सारा प्रसाद गंगा जी के घाट पर ही मिलता है तो वहाँ से आराम से हम लोग ले सकते हैं। और आरती के बाद ये दीपक हम वहाँ जला रहे हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी जी गंगा जी की आरती कर रही हैं, उन्होंने धूप जला ली है, दीपक जला लिया है, अब उन्होंने मुझे दिया है ताकि मैं भी कर सकूं। तो फिर हम सभी लोगों ने बारी बारी से गंगा जी की आरती की और हमें ये गंगा जी की आरती करके बहुत ही अच्छा फील हुआ। और ऐसी जगह पर बहुत सात्विकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं होती, तो ऐसी जगह सभी लोगों को जाना चाहिए। तो हम लोगों को जाकर बहुत खुशी हुई और आगे भी हम लोग जाना चाहेंगे। गंगा जी का बहाव आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा है त्रिवेणी घाट पर। Yeah,
गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग घाट से आगे की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा आगे जाके एक आश्रम है और उस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। तो इस आश्रम का नाम मुझे नहीं पता, बट ये आश्रम बहुत ही बड़ा और पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं इसमें थी और पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छे रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो हमें यहाँ जाकर बहुत ही खुशी मिली। यहाँ पर भी साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा गया और यहाँ खाना वाना भी अवेलेबल होता है, लेकिन लेकिन हम लोग लेट पहुँचे थे तो हमें नहीं मिल पाया था। तो ये हम एंटर किए इस आश्रम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है ये आदि गुरु मंदिर, इसके सामने लिखा आदि गुरु मंदिर और देखिए कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा का किला है। बहुत ही बड़ा आश्रम है ये और ये पार्किंग है, यहाँ की पार्किंग भी काफ़ी बड़ी, आराम से गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। गाइस, अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा इस वीडियो के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ आगे का देखने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखिएगा।